बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस वर्ड तो वैसे हमने कई दफा यूज किया है, लेकिन कभी इस तरह काम किया है टाइपिंग के बगैर। हम वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस तरह डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में तैयार हो जाए हमारा, तो ये कमाल किस तरह से होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में वॉइस रिकॉर्डिंग से डॉक्यूमेंट आपका बनेगा, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। मैं लाते रहता हूँ इसी तरह की इंफॉर्मेटिव इंटरेक्टिव सीखने के लिए एमएस ऑफिस, ऑफिस 365 एडवांस, एडवांस इंटरमीडिएट बिगिनर सारी चीजें आपको शाहब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। और जो आप सीखना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करके भी बताएं, तो ताकि आने वाली वीडियो से रिलेटेड अपलोड हो जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम सिर्फ बोलते जाएं और ये सारा काम हमारा ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता जाए, ये किस तरह से होगा ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ऑफिस 365 होम मेन्यू में यहाँ पर हमारे पास डिक्टेक का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है जी। इस ऑप्शन के अंदर हम आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मिलेगा हमें, ठीक है जी, डिक्टेक। डिक्टेक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका ये माइक का ऑप्शन बना हुआ आता है, जो जो हम काम कर रहे हैं वो खुद ब खुद रिकॉर्ड हो रहा है। अभी तो फिलहाल मैं पहले यहाँ से इसको क्लियर कर रहा हूँ, अभी मुझे इसको रिकॉर्ड नहीं करना, मैंने यहाँ से इसको क्लिक हटाया है। और अभी मुझे आपको ये बताना है कि इसके अंदर जो आप लैंग्वेज में चाह रहे हैं रिकॉर्ड करना, उसमें आप यहाँ पर जाएंगे ऑप्शन में और यहाँ पर जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उसके अंदर आप जाकर अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इंग्लिश, यूएस, स्टेट जो है वो सारी यहाँ पर, फ्रेंच, जापानीज इसके अंदर मौजूद है, हिंदी भी कर सकते हैं आप। स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो मैं इसके अंदर उसी के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपनी। तो अब ये किस तरह से होगा अब इसमें हम चेक करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्ट, ठीक है जी। जो भी आपको स्टार्ट करनी है वहां से स्टार्ट पे यहाँ क्लिक करना है। योर नेम, योर एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, जॉब एप्लीकेशन, डियर मैनेजर, कंपनी नेम, आई एम currently looking for a job, ठीक है जी। यहां से कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट डायरेक्शन, जॉब when I you inform that your firm has vacancies and I am interested in applying for any of your vacant position. I am confident that my skill and experience in my studies could make great contribution in your firm. I am also willing to the extra work that you will give to gain more experience. I would appreciate the opportunity to discuss my qualification for any of your vacant position in greater detail with you in person at your relative convenience. In my resume is attached for your sincerely named signatures. स्टॉप, ठीक है जी। अब यहां तक जो हमने जितना भी एडिट यहाँ पर कंप्लीट किया, ये सारी हमने लैंग्वेज अपनी वॉइस की मदद से जो है कंप्लीट करी। और अब इसमें कहाँ पे हमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि फुल स्टॉप वगैरह करना था तो यहाँ पे, और जहाँ पे हमें ब्रेक करना था वहां मैंने एंटर का यूज किया हुआ है। इस तरह से यहाँ पर ये आ गया, फोन नंबर के बाद ईमेल एड्रेस आ गया, उसके बाद कंपनी नेम आ गया। तो ये फॉर्मेटिंग आपको कंप्लीट करने के बाद मैनुअल थोड़ा सा इसके अंदर आपको ये चेंजेस वगैरह करनी है अपनी।
और जहां पर फुल स्टॉप वगैरह का होगा या रेड लाइन ग्रामर मिस्टेक्स होंगी तो राइट क्लिक करके आप उधर क्लिक करेंगे और यहां से उसको बेहतर कर सकते हैं। तो कम टाइम में टाइपिंग के बगैर अपना असाइनमेंट पूरा करना है आपको, तो उसके लिए वॉइस रिकॉर्डर का ऑप्शन मैंने आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर किया। जहां जहां स्पेलिंग कैपिटल स्मॉल इस तरह से प्रॉब्लम हो तो वो आप वहां पर क्लिक करके राइट ग्रामर मिस्टेक के लिए होती है, और ग्रीन जो ब्लू लाइन होती है वो ग्रामर, रेड लाइन जो है वो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक के लिए होती है। ठीक है जी, जहां रिपीट आ रहा है तो आप सही करेंगे। ठीक है जी, अब कहीं एक दफा रीड कर लिएगा इसको। अब जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाइंग फॉर एनी वीकेंड मैंने करा था, तो यहाँ पे वीकेंड आवाज बाज दफा कोई नॉइस होती है तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप यहाँ पे फिर मैनुअल कर सकते हैं इसको सही। ठीक है जी, तो तकरीबन हमने ये तो कंप्लीट कर लिया है, और जहां जहां ये वीकेंड के जैसे ऑप्शन है तो वीकेंड है, तो यहाँ पे इस तरह से ये वीकेंड दोनों मिक्स हो सकती है तो वो आप सही कर सकते हैं इस तरह से भी। और यहाँ पे मैं वीकेंड कर रहा हूँ इसको, और बिलिंग हो गया आई एम ऑल्सो, यहाँ पर इसके बाद फ्रॉम, यहाँ पे कॉमा आएगा, फुल स्टॉप। बाकी ये चीजें जब आपकी हो जाएंगी, योर कंपनी नेम, योर नेम, आप ये अपना फिर राइट इसको मजीद जो है चेंज करके आप और बेहतर कर सकते हैं। जैसे यूर नेम एड्रेस जो है वो नो स्पेस के साथ हमें चाहिए, उसके साथ स्पेस दे दिया तो फॉर्मेटिंग आप अपनी स्किल्स जो है वो आप अपनी यूज करके, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफिस वर्ड के अंदर मैंने पहले भी कई दफा बताया, सब्जेक्ट्स वगैरह ये चीजें आप अपनी चेंज कर लें। यहाँ पे कॉलन का ऑप्शन आ जाएगा जॉब एप्लीकेशन, और यहाँ से कंट्रोल ए कर लें, ऑल सिलेक्ट कर लें, यहाँ से फॉन्ट और राइटिंग को जो भी आप स्टाइल रखना चाह रहे हैं यहाँ पे अपना। ठीक है जी, कहाँ पे कैपिटलाइज रखना है, ईच वर्ड करना है, सेंटेंस केस करना है, वो चीजें आप अपनी मेंशन कर लें। और यहाँ पर इसमें ब्रैकेट, इसे कैपिटलाइज या सेंटेंस केस कर लेते हैं। तो इस तरह वॉइस रिकॉर्डिंग तो हमने अपनी कर ली, उसके बाद जो फॉर्मेटिंग है वो थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है, उसको बोल्ड करना है, यहां से बोल्ड पोजीशंस, ठीक है जी। और यहाँ पे अब फॉर योर रिव्यू है यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ अगर स्पेलिंग में इस तरह मिस्टेक है तो वो आप अपना सही करेंगे, एंटर करेंगे सिंसियरली, और फिर उसके बाद नेम, नेम के ऑप्शन को भी नीचे शिफ्ट करेंगे, सिग्नेचर के ऑप्शन को भी नीचे शिफ्ट करेंगे, इसके साथ शिफ्ट दबा के अंडर स्कोर, और यहां से मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूं। ठीक है जी, फाइल प्रिंट, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। एज अ वॉइस हमने इसको सारा जनरेट किया डॉक्यूमेंट को, और ये Office 365 में होम मेन्यू में मैंने आपके साथ शेयर किया डिटेक्ट ऑप्शन। इसी का एक और ऑप्शन भी है यहाँ पे ट्रांसक्राइब, ट्रांसक्राइब के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज मिल रही है, और लैंग्वेज के साथ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अपलोड वीडियो। अपलोड वीडियो कोई अगर वॉइस रिकॉर्डिंग है उसको आप एज अ टेक्स्ट कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एमएस वर्ड की मदद से, इसके सॉफ्टवेयर होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, गूगल में जाकर आपको ये काम करना पड़ता है, तो इसमें डायरेक्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। इसमें से जाकर आपको अपनी रिकॉर्डिंग को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपकी होगी MP3, और इसमें जाकर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है जी, जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है उस ऑडियो को, तो वो उसमें यहाँ पर सारा ऑप्शन आपके सामने टेक्स्ट में आ जाएगा, उसको कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर ले, तो जिस तरह ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका रेडी हुआ है, इसी तरह वॉइस रिकॉर्डिंग जो होगी वो सारा टेक्स्ट आपका इस डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। जो तरीका मैंने बताया सेम इज इट इज, इसी तरह से करना है, सारी चीजें आपकी प्रॉपर एक्यूरेट हो जाएंगी, और ये
इसमें जो मैंने बताया ऑफिस 365 लाजमी आप लोग उस पे आए अपग्रेड करें। अगर 2010 13 19 16 यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें ऑफिस 365 में माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें से आप फिर लॉगिन करके जो एक्सेल्स के एडवांस एक्सेल्स के फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ और ये एमएस वर्ड की नए सारे फीचर्स, तो ये सारी चीजें इसमें आपके काफी काम आने वाली है और जो आगे टॉपिक्स अपलोड होंगे उसके अंदर भी आपकी काफी हेल्प होंगी। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी इस तरह की और नई चीजें नहीं देखना चाहते सीखना चाहते, वैसे तो मैं लाता रहता हूँ नई नई चीजें आप लोगों के लिए, तो देखने में आपको वीडियो अच्छी लगी है इसकी प्रैक्टिस भी करें अप्लाई भी करें, हेल्पफुल भी है काफी इस तरह से जहाँ पे स्पेलिंग टाइप करने में मिस्टेक्स हो रही होती है इस तरह बोलने में और कम टाइम में कितनी जल्दी सारा काम हम कर सकते हैं ये आज की वीडियो देख के अंदाजा हो गया होगा। तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करें शेयर करें, जो फर्स्ट देखना चैनल को सब्सक्राइब करें अपना भरपूर रिस्पॉन्स किया करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट और भी शार्ट्स यूट्यूब चैनल पर देखने को सीखने को मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।